हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो नाइन्थ क्लास का आज हम करने वाले हैं सिक्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वन देखें, भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? तो अलवर और भरतपुर, इन रियासतों पर पड़ा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया, तो इनका संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध अलवर प्रजामंडल से था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ उद्घाटन जो है वो एन बी गॉडगिल के द्वारा किया गया, 17 मार्च 1948 को। ठीक है, तो भारत सरकार के मंत्री रहे एन बी गॉडगिल, इन्होंने 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। क्वेश्चन फोर देखें, एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना गया? एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना गया? तो पहला चरण मत्स्य संघ और दूसरा चरण राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका है? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका है? तो एग्जाम में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको याद केवल यही रखना है कि बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ा सा संकोच दिखाया और बाद में पड़ोस की रियासतों ने जो है इनको समझाया, तो इन्होंने साइन तो कर दिए, लेकिन क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया? तो इन्होंने संयुक्त राजस्थान का जो गठन हुआ तो वहां पर उद्घाटन करते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो बृहत राजस्थान का जब निर्माण होता है तो कई विभागों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो जिसमें बीकानेर रियासत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। वहीं पर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट जोधपुर में बनता है। ठीक है, खनिज विभाग उदयपुर में, वन विभाग कोटा में और कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में की जाती है। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो दोबारा से याद करिए कि उदयपुर में खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग की स्थापना की गई। आप याद रख सकते हैं, खनिज विभाग की स्थापना जो है वो उदयपुर रियासत में की गई थी। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो कोटा विभाग में की गई वन और सहकारी विभाग की स्थापना की गई। कोटा में वन और सहकारी विभाग की स्थापना की गई। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान जोधपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो हमने अभी बताया कि जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, जोधपुर में किसकी स्थापना की गई? हाईकोर्ट की स्थापना की गई। बृहत राजस्थान निर्माण के दौरान भरतपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना की गई। तो दोबारा से जो है रिवाइज करिए कि हाई कोर्ट की स्थापना जोधपुर में की गई, शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई, खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर में की गई, वन विभाग की स्थापना कोटा में की गई और वहीं कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में स्थापना होती है। ठीक है, किस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की? किस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की? तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको कई बार ये चीज बताई थी कि पी सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है जब बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। क्वेश्चन 13 देखें, किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, बृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1948 को हुआ और 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं।
वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हीरा लाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया। फिर देखें क्वेश्चन 15, एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो एकीकरण का जो अंतिम चरण होता है, जो कि राजस्थान के नाम से जाना गया, जो कि 1 नवंबर 1956 को ये चरण जो है वो इसकी जो है इसका गठन होता है, तो अजमेर जो है गै अथवा सी श्रेणी का राज्य था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अजमेर राज्य जो है वो गै श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट देखें, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में जो है किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया और इसकी सिफारिश पर जो है इसको मिलाया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो हातल सिरोही में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? हातल सिरोही में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन 18 है, सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? तो इसे 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन होता है और सिरोही का आबू वाला क्षेत्र जो है वो राजस्थान में पुनः मिलाया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? तो उस समय हरिभाऊ उपाध्याय की सरकार थी। वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में जो है ये समिति बनती है। राजस्थान एकीकरण के चरणों को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान एकीकरण के चरणों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, प्रथम चरण जो कि मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, दूसरा चरण राजस्थान संघ, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान, उसके बाद पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, छठवां चरण राजस्थान संघ और सातवां चरण राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूरी होती है। राजस्थान एकीकरण के चरणों का स्थापना काल है? राजस्थान एकीकरण के चरणों का स्थापना काल है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमने मत्स्य संघ देखा प्रथम चरण, तो 18 मार्च 1948 को स्थापना, दूसरे चरण की 25 मार्च 1948 को, तीसरे चरण की 18 अप्रैल 1948 को, चौथे चरण की 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं हम 30 मार्च को। बृहत राजस्थान का गठन होता है चतुर्थ चरण में। पांचवा चरण जो है, जो कि संयुक्त वृहत राजस्थान है, 15 मई 1949, छठवां चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, देखिए आप लोग याद करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपके घुमा कर पूछ लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हर तरीके से जो है आप इनको याद रखें। राजस्थान एकीकरण के चरणों के दौरान कौन सी राजधानी रही? तो देखिए, मैंने जो है एक ही क्वेश्चन में ये चीजें जो है वो आपके लिख दी है कि प्रथम चरण जो है अलवर होती है राजधानी, दूसरे चरण राजस्थान संघ के समय कोटा को राजधानी बनाया जाता है, तीसरे चरण जो संयुक्त राजस्थान है तो वहाँ उदयपुर को राजधानी बनाया गया, चौथे चरण जो बृहत राजस्थान उसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया, पांचवें चरण में जयपुर राजधानी रही, छठवें चरण में भी जयपुर राजधानी रही और सातवें चरण में भी राजधानी जयपुर रही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तो यहाँ पर
24 के बाद डायरेक्ट 26 आ गया है। राजस्थान एकीकरण के समय राज प्रमुख थे, राजस्थान एकीकरण के समय राज प्रमुख थे, सबसे पहला जो चरण है इसमें उदयभान सिंह थे राज प्रमुख, जो कि कहाँ के थे, धौलपुर के। दूसरा चरण भीम सिंह कोटा के। तीसरा चरण भोपाल सिंह मेवाड़ के थे। चौथा चरण मान सिंह सेकंड जयपुर के। पांचवा चरण मान सिंह सेकंड ही रहे जयपुर के, और छठवें चरण में भी मान सिंह सेकंड जो कि जयपुर के थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया। सातवें चरण में राज प्रमुख का जो पद है उसको समाप्त करके नया पद सृजित हुआ, किसका, राज्यपाल का। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों के तहत उप राज प्रमुख थे, तो पहले चरण में गणेश पाल देव थे करौली के, दूसरे चरण में लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के, तीसरे चरण में भीम सिंह कोटा के, और चौथे चरण में भीम सिंह कोटा के। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राजस्थान एकीकरण के चरणों के समय महाराज प्रमुख थे, तो थोड़ा इनको भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, चौथे पांचवे और छठवें चरण में जो मेवाड़ उदयपुर के भोपाल सिंह थे इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के चरणों के तहत प्रधानमंत्री थे, राजस्थान एकीकरण के चरणों के तहत प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, तो देखिए मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर शोभाराम कुमावत अलवर के, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरे चरण में गोकुललाल असावा शाहपुरा के, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के, चौथे से लेकर सातवें चरण तक हीरालाल शास्त्री जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे। राजस्थान एकीकरण के चरणों के तहत उद्घाटनकर्ता कौन कौन रहे, तो पहले और दूसरे चरण में एनवी गॉडगिल जो हैं इनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया। तीसरा चरण जो है इसमें उद्घाटनकर्ता रहे जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण में वल्लभ भाई पटेल जो है उद्घाटनकर्ता रहे। तो यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण से संबंधित जो चैप्टर है वो आपका पूरा होता है। हर चीज जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इस चैप्टर में आपको इन क्वेश्चन आंसर में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, तो छोटी क्लासेस में भी हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो वहां पर भी आप कर चुके हो। ओवरऑल एक भी चीज जो है वो आपकी नहीं छूटी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इनको बार बार रिवाइज करिए, वीडियो बार बार देखिए, तभी आपको ये याद होंगे। थैंक यू।